ंग ओके okay? रिपेयरिंग में क्या होता है मशीन का जो कंडीशन खराब है वो रिस्टोर किया जाता है ओके एंड जॉब वर्किंग में क्या होता है जॉब वर्किंग में वो प्रोडक्ट का जो क्या बोलते हैं अपन उसको एक वर्ड याद नहीं आ रहा है मेरे को फंक्शनलिटी ये जॉब वर्क क्रिएट द फंक्शनलिटी ऑफ एन आर्टिकल ओके फंक्शनलिटी यस फंक्शनैलिटी फंक्शनलिटी मतलब कि अभी फॉर एग्जांपल शर्ट्स है बराबर अभी शर्ट पीस कोई पहनेगा क्या नहीं शर्ट पीस को काट के बटन बटन लगा के फिर पहनेंगे ना ऑब्वियसली तो शर्ट को शर्ट पीस को शर्ट बनाने का जो काम है ओके दैट इज डन बाय जॉब वर्कर उसको बटन लगाने का जो काम है वो जॉब वर्कर करता है ओके सो जॉब वर्कर क्रिएट्स फंक्शनैलिटी ओके एंड रिपेयरिंग वर्क व्हाट डज इट क्रिएट इट इट बेसिकली रिस्टोर्स द प्रोडक्ट दिस इज द डिफरेंस बिटवीन जॉब वर्किंग एंड रिपेयरिंग समझा जॉब वर्किंग का डेफिनेशन है सेक्शन नंबर टू सबसेक्शन सिक्सटी एट में ये कहता है कि ट्रीटमेंट और प्रोसेस यहां पर लिखा हुआ वेदर और नॉट ट्रीटमेंट और प्रोसेस रिजल्ट इन मैन्युफैक्चर ट्रीटमेंट और प्रोसेस शुड ऑलवेज बी डेटाई सर्विस मस्ट नॉट बी कन्फ्यूज विथ रिपेयर ओके ये मैंने बता दिया आपको जॉब वर्क किसके ऊपर होता है गुड्स बिलोंगिंग टू रजिस्टर्ड पर्सन ओनली अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन के गुड्स के ऊपर अगर आप काम कर रहे हो तो उसको जॉब वर्क नहीं कहेंगे उसको मैन्युफैक्चरिंग सर्विस कहेंगे क्या कहेंगे उसको मैन्युफैक्चरिंग सर्विस आपके सिलेबस में नहीं है आप इसको इग्नोर कर सकते हो ओके okay? प्रैक्टिकली इसके ऊपर रेट ऑफ टैक्स भी अलग है अब जो गुड्स जॉब वर्कर को मिले हैं ओके ऑब्वियसली वो गुड्स को जॉब वर्कर ने टाइम लिमिट के अंदर रिटर्न करना है ओके okay? सुना ध्यान से फॉर एग्जाम्पल आप जॉब वर्कर हो मैंने आपको शर्ट्स दिए आप उसको शर्ट पीस बना के मुझे दोगे ओके सो so, जो मैंने गुड्स आपको भेजा है ओके ये गुड्स आपको मुझे काम करने के बाद टाइम लिमिट में वापस करना क्या टाइम लिमिट में करना है अपन आगे देखेंगे और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मान के चलो कि एक सप्लायर है ओके एक सप्लायर है उस सप्लायर से मैंने गुड्स परचेज किया लेकिन डायरेक्टली डिलीवरी करवाई आपके जगह पर वापस एक बार इस सप्लायर से इस सप्लायर से गुड्स डायरेक्टली आपके पास गए फॉर जॉब वर्किंग मेरे पास आए नहीं पर फिर भी मैं उसका क्रेडिट ले सकता हूँ समझ में आया बिल टू शिप टू मॉडल जैसा बोल सकता है इसको ओके okay. तो यहाँ पर क्रेडिट जो प्रिंसिपल uh, ले लेगा इवन इफ गुड्स आर डायरेक्टली डिलीवर्ड टू जॉब वर्कर्स लोकेशन as समझ में ओके टाइम लिमिट क्या है देखते हैं व्हाट इज द टाइम लिमिट अगर आपने इनपुट्स भेजा है इफ यू हैव सेंट द इनपुट्स देन प्रिंसिपल ने अगर भेजा है तो क्या होगा एंड प्रिंसिपल के सप्लायर ने डायरेक्ट भेजा है तो क्या होगा वो सुनो मतलब आपको आप जॉब जॉबर करो आपको क्या मिले हैं इनपुट्स अगर मैंने डायरेक्टली आपको इनपुट्स दिए तो आपको कितने टाइम में वापस विद इन ईयर फ्रॉम इट सेंट आउट मैंने भेजा उधर से एक साल के अंदर आपको वापस देना वन ईयर एक्सटेंशन इज पॉसिबल और अगर मैंने आपको नहीं दिए मेरे सप्लायर ने डायरेक्टली आपको दिए ओके okay? तो जो दिन आपको मिले उधर से एक साल में मुझे वापस दोगे आप लोग समझा दो डिफरेंस समझा

आया समझ में ओके okay. मान के चलो कि जो मेरा कस्टमर है वो आपके नजदीक में रहता है ओके ही इज नियरेस्ट टू यू तो मैंने क्या बोला कि आप शॉर्ट पीस बनाओ एंड मेरा जो कस्टमर है उसको आप सेल कर दो मतलब उसको आप दे दो बिल मैं रेस कर लूंगा ठीक है आप खाली दे दो तो यहां पर यह आपका टर्नओवर माना जाएगा या मेरा टर्नओवर ओवर कमॉन राइट इन दर चैट बॉक्स इट विल बी ट्रीटेड एज टर्नओवर ऑफ जॉब वर्कर और टर्नओवर ऑफ प्रिंसिपल प्रिंसिपल का टर्न है या जॉब वर्कर क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं ओ जॉब वर्कर क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं प्रिंसिपल के कस्टमर को जॉब वर्कर ने गुड्स दिया टर्न किसका होगा प्रिंसिपल का या जॉब वर्कर का ऑब्वियसली प्रिंसिपल क्यों प्रिंसिपल क्योंकि ये गुड्स तो मेरे हैं ना और मेरा गुड्स मे, मेरा गुड्स है खाली उसने उसको दिया है डिलीवरी किया एक्चुअल सेल तो मैंने किया ना समझ में तो यहाँ पर हाँ वो उसके नाम पर इशू नहीं है ओके मतलब जॉब वर्कर इज नॉट तो मैं इशू कर रहा हूँ सप्लाई तो मेरा हुआ ओके पर अगर मेरे को ऐसा ट्रांजेक्शन करना है देन इन दैट केस आई हैव टू एड द जॉब वर्कर्स प्लेस ऑफ बिजनेस एज एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस समझ में एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस मुझे करना होगा

वो फाइल करना होता है उसमें अमेंडमेंट आई है कितने टाइम में फाइल करना पहले क्या था क्वार्टरली था हाफ ईयर में हमको आई टी सी जीरो फोर भर के दो अगर टर्न ओवर छोटा है तो साल में एक बार देना टर्न ओवर बड़ा है इज फाइव करोड़ से ज्यादा तो हाफ ईयर में एक बार बाय ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ मंथ सक्सेडिंग हाफ ईयर मतलब अप्रैल टू जून है तो ट्वेंटी फिफ्थ अक्टूबर अक्टूबर टू मार्च है तो ट्वेंटी फिफ्थ अप्रिल और अगर टर्न ओवर पांच करोड़ तक है इट इज अपर देट इज ट्वेंटी है ईवी बिल का प्रोविजन मैंने आपको बता दिया ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट एंड स्क्रैप अगर जॉब वर्कर रजिस्टर्ड है तो जो भी स्क्रैप बेचेगा तो उसको जीएसटी भरना पड़ेगा ड्यूरिंग जॉब वर्क मे बी सप्लाइड बाय जॉब वर्कर फ्रॉम हिस प्लेस ऑफ बिजनेस इफ सर जॉब वर्कर इज रजिस्टर्ड ही अदरवाइज नॉट क्लियर नेक्स्ट अब ये देखो ये डायग्राम देखो दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट इट इज वन सर्कुलर ये एक सर्कुलर है गया सर्कुलर नंबर 88 इसमें ना जॉब वर्कर को अगर हम भेजेंगे तो क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा वो लिखा हुआ ठीक है तो ये केस वन टू थ्री फोर ये चार केसेस में डिवाइड किया चार ही है ना हाँ प्राँग. सबसे पहला केस नॉर्मल सप्लायर ने दैट इज मेरे सप्लायर ने मेरे सप्लायर ने प्रिंसिपल को भेजा मतलब फॉर एग्जाम्पल एक काम करते हैं मैं प्रिंसिपल रहता हूँ आप जॉब वर्कर हो ठीक है एंड एक मेरा कस्टमर दैट इज कॉल्ड एज रिसिपियंट एंड मेरा एक सप्लायर है वो सप्लायर सो so, उस सप्लायर ने हाँ पर अगर वेस्ट वेस्ट का जो नेचर है वो इंपॉर्टेंट है ओके okay. वेस्ट का नेचर इंपॉर्टेंट है अगर वेस्ट का जो प्राइसिंग है वो आपका जॉब वर्किंग के साथ इंक्लूडेड है मतलब अगर आपको वेस्ट वापस नहीं करना है तो आप ही बेचोगे ना जॉब वर्कर बेचेगा वेस्ट को ओके क्योंकि जॉब वर्किंग का जो चार्जेस है वो डिपेंड करता है कि वेस्ट को इंक्लूड करके या वेस्ट को एक्सक्लूड करके ओके मतलब अगर समझो शॉर्ट पीस में कुछ वेस्टेज निकलता है तो वेस्टेज मुझे आपको वापस देना पड़ेगा अगर ऐसा है तो जो प्रिंसिपल उस वेस्ट को बेचेगा तो प्रिंसिपल पे करेगा ओके एंड अगर वेस्ट को वापस नहीं करना है तो जॉब वर्कर बेचेगा तो अगर वो रजिस्टर तो जीएसटी लगाएगा अदरवाइज नहीं लगाएगा अब इसमें क्या बोल रहा था मैं मेरे सप्लायर ने मुझे सप्लाई किया मैंने जॉब वर्कर को दिया जॉब वर्कर ने मुझे दिया एंड मैंने रिसिपेंट को दिया ट्रांजेक्शन समझो सप्लायर ने मुझे दिया ए टिपिकल ट्रांजेक्शन नॉर्मल केस सप्लायर ने मुझे दिया मैंने जॉब वर्कर को दिया जॉब वर्कर ने मुझे वापस भेजा एंड मैंने मेरे रिसिपेंट को सेल किया तो इसमें क्या होगा एकदम सिंपल है ये इनवाइस बनाएगा टैक्स इनवायस बनाएगा मैं जॉब वर्कर को भेजने के टाइम पर डिलीवरी चलन प्लस ईवी बिल बनाऊंगा ठीक है जॉब वर्कर से जब गुड्स आएंगे वापस तो भी डिलीवरी चलन बनेगा ओके okay? प्लस ई वी बिल बनेगा अगर जॉब वर्कर रजिस्टर्ड है तो वो खुद बनाएगा जॉब वर्कर अनरजिस्टर्ड है तो मैं बनाऊंगा ऑन हिज बिहाफ ओके एंड जब मैं प्रिंसिपल होकर के रिसिपेंट को गुड्स भेज रहा हूँ तो नॉर्मल टैक्स इनवाइस प्लस ईवी बिल बनाऊंगा इफ इट इज एप्लीकेबल ओके सेकंड केस सेकंड केस सप्लायर अगर डायरेक्टली जॉब वर्कर को भेज रहा है ठीक है सप्लायर अगर डायरेक्टली जॉब वर्कर को भेज रहा है मेरे पास गुड्स ही नहीं है डायरेक्टली जॉब वर्कर ओके सो सप्लायर क्या करेगा टैक्स इनवाइज तो मेरे नाम पर इशू करेगा बट डिलीवरी एड्रेस वुड बी जॉब वर्कर्स समझ में आया ओके बिल टू टू जैसा होता है ना एकदम वैसा अब यहां पर ट्रांजेक्शन देखो वन ए लिखा हुआ है तो वन ए में आते हैं अपन नीचे One A. Okay. Bill to ship to job worker. समझ में मुझे होगा होगा को. को तो ये का स बनाना पड़ेगा फिर जॉब वर्कर क्या कर रहा है मुझे वापस दे रहा है. तो मुझे जब वो वापस देगा तब डिलीवरी चलान के अंडर देगा डिलीवरी चलान प्लस ईवे बिल ईवे बिल इफ एप्लीकेबल नहीं ईवे बिल इज मैंडेटरीली एप्लीकेबल समझ में आया जॉब वर्कर को अगर अपन भेज रहे हैं तो कंपल्सरी कम, उससे आ रहा है तो भी बनाना पड़ेगा टैक्सी वे बिल इफ इट इज एप्लीकेबल क्लियर ईवे बिल इफ इट इज एप्लीकेबल केस नंबर थ्री सप्लाई ऑफ गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम जॉब वर्कर्स प्लेस ऑफ बिजनेस प्रिंसिपल ने जॉब वर्कर को गुड्स भेजा जॉब वर्कर ने काम किया एंड डायरेक्टली जो प्रिंसिपल है उसके रिसिपेंट को दे दिया okay, वापस एक बार प्रिंसिपल ने क्या किया जॉबर को गुड्स दिया जॉब करने ने क्या किया डायरेक्टली प्रिंसिपल के रिसिपेंट को बेचा ओके okay, तो यहां पर क्या होगा वॉट विल बी है जॉब वर्कर का जो प्लेस ऑफ बिजनेस होगा उसको मुझे एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस के नाम पर मतलब रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा ओके okay, समझ में नेक्स्ट केस नंबर फोर सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम जॉब वर्कर टू अनदर जॉब वर्कर एंड देन सेंट टू प्रिंसिपल और सोल्ड फ्रॉम प्लेस ऑफ ऑफ बिजनेस जॉब वर्कर अब प्लेसनेकर सुनना क्या हो रहा है यहां पर प्रिंसिपल ने जॉब वर्कर वन को भेजा ओके okay. उसके बाद क्या होगा जॉब वर्कर वन जो है ना वो जॉब वर्कर टू को भेज रहा है एंड जॉब वर्कर टू जो है वो प्रिंसिपल को भेजेगा तो जब प्रिंसिपल जॉब वर्कर वन को भेज रहा है तब डिलीवरी चलान प्लस ईवी बिल के अंडर भेजेगा बराबर है अब यही गुड्स अगर जॉब वर्कर वन किसी और जॉब वर्कर के पास भेज रहा है सो तो डिलीवरी चलान को वो एंडोर्स करेगा क्या करेगा एंडोर्स एंडोर्स मतलब समझते यही हो यही डिलीवरी चलान कंटिन्यू होगा ओके यही डिलीवरी चलान कंटिन्यू होगा उसके ऊपर खुद का स्टैम्प मारेगा बोलेगा कि गुड्स रिसीव्ड एंड गुड्स सेंट ठीक है तो यही चलान continue होगा यही आगे होगा के वापस से आएंगे Unless the quantity is not changing. Okay? Job worker अभी प्रिंसिपल को थोड़ी बताएगा कि मैं किसके पास भेज रहा हूँ समझ में प्रिंसिपल को नहीं बताएगा ना वो उसका ट्रेड सीक्रेट है so, job worker क्या करेगा? उसी डिलीवरी चलान को एंडोर्स करेगा मतलब उस पर एक स्टैंप मारेगा कि नाउ दिस गुड्स आर सेंट टू जॉब वर्कर टू ओके अब जॉब वर्कर टू वापस से उसी गुड्स को जॉब वर्कर वन को भी दे सकता है या तो फिर प्रिंसिपल के पास डायरेक्टली बेच सकता है वॉट एवर द केस में भी ओके सो यहां पर जॉब वर्कर टू के पास गुड्स आएंगे अंडर द सेम डिलीवरी चलान एंड वही डिलीवरी चलान के अंडर गुड्स वापस से प्रिंसिपल के पास भी चले जाएंगे ओके okay? लेकिन अगर थोड़े थोड़े क्वांटिटीज में जाएंगे तो थोड़े थोड़े क्वांटिटीज में गए तो मतलब यहां से अगर सौ क्वांटिटी आए थे ओके पचास क्वांटिटी उसने हाँ विद इन वन ईयर करना यस yes. अगर सौ क्वांटिटी प्रिंसिपल ने जॉब वर्कर वन को दिया था एंड सिर्फ पचास क्वांटिटी जॉब वर्कर टू को उसने भेजा तो यहां पर फ्रेश चलान बनाना पड़ेगा ओके okay. अगर क्वांटिटी सेम है एंड सेम गुड्स है तो सेम डिलीवरी चलान चलेगा अदरवाइज नहीं चलेगा क्लियर है ओके okay, डन तो यही सब लिखा है वन टू थ्री फोर हाँ रूल फिफ्टी फाइव का डिलीवरी चलान यस yes, परफेक्ट राइट। रूल इज अ डिलीवरी डिली अब चलानस प्रोविजन देख लेते हैं कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें से कुछ भी नहीं आने वाला है ओके फर्स्ट वन रिबूटेबल एजम्स अगर आपके यहां पर सर्च वगैरह हो रहा है ओके okay? तो यहां पर अजम्पन लिया जाता है कि जो कुछ भी लिखा हुआ है वो आपने लिखा है ओके okay. अगर साइन किया हुआ तो आप ही का साइन है ओके okay. तो so ये होता है मतलब समझते हम करेंगे ऐसा ही होगा ओके सो व्हेन एनी डॉक्यूमेंट इज फाउंड ड्यूरिंग सर्च ओके जो भी कुछ लिखा होगा इट वुड बी डीम्ड दैट आपने ही लिखा हुआ है okay. so okay. कुछ भी मार्किंग है आपने ही मार्किंग किया होगा इट शैल बी डीम्डन एंड माना जाएगा कि ये आप ही का हैंड राइटिंग है okay. तो, कोई -को भी करते हैं। तो भी मानेंगे कि आप ही का है ओके okay. समझो ये मेरा नॉर्मल है तो आपने जान के ऐसा लिखा होगा ठीक है तो हैंडराइटिंग आप ही का है यही अज्यूम करेंगे हम लोग ओके नेक्स्ट सेक्शन फोर्टी फाइव माइक्रोफिल्स फेसिमिल कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स ओके कंप्यूटर प्रिंट आर एडमिसिबल एज एविडेंस ओके मतलब अगर समझो कुछ फ्रॉड वगैरह पकड़ना है आपके पास कुछ कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स है कंप्यूटर का प्रिंट आउट है तो ये सारा चीज डॉक्यूमेंट्स वैलिड है ओके नेक्स्ट पब्लिशिंग ऑफ नेम एंड पर्टिकुलर्स अंडर जीएसटी एक्ट अगर किसी का नाम भी आपको जीएसटी एक्ट में डालना है ओके तो यहाँ पर आपको परमिशन वगैरह लेनी पड़ती है ओके okay. अभी यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि अगर एक्ट में किसी का नाम लिखना है आपको तो जब तक अपील पूरा खत्म नहीं हो जाता था तब तो तक नहीं लिख सकते ओके सो नो पब्लिकेशन अंडर दिस सेक्शन शेल बी मेड

इनवैलिड फॉर रीजन ऑफ मिस्टेक ओके मतलब की अगर कोई छोटा मोटा मिस्टेक हुआ है तो उसकी वजह से आप ऐसा नहीं बोल सकते कि प्रोसीडिंग्स ही गलत है ओके नो असेसमेंट रीअसेसमेंट एडजुडिकेशन रिव्यू रिविजन अपील नोटिस समन और एनी अदर प्रोसीडिंग डन एक्सेप्टेड मेड इशूड इनिशिए अंडर दिस एक्ट शैल बी इनवैलिड और डीम टू बी इनवैलिड मेयर रिफ बाय द रीजन ऑफ एनी मिस्टेक डिफेक्ट ओमिशन इफ सच प्रोसीडिंग्स आर इन सबस्टेंस एंड इफेक्ट इन कंफर्मेटिव विद्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट ओके मतलब छोटा सा मिस्टेक हुआ कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ ओके okay, आपने आई टी सी जान बुझ के गलत लिया था और ऑफिसर ने गलत डिटरमाइन किया ओके okay, ऑफिसर ने जानबूझ के गलत मतलब कम डिटरमाइन किया कुछ मिस्टेक हो गया कैलकुलेशन में तो यहां पर ऐसा नहीं माना जाएगा कि यह प्रोसीडिंग्स इनवेलिड हो गई ओके okay, यहां पर सबस्टेंस क्या है आपने आई टी सी नहीं लिया आप दूसरा कुछ बोल करके गुमराह मत करो समझा मेन सब्सटेंस तो वही है तो बस वही रहेगा नेक्स्ट ठीक है अगर एक्ट में कहीं पर मेंशन नहीं है है ठीक का प्रोविजन तो यहाँ पर कोई भी अथॉरिटी जिसके लिए स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है वो भी अपना एरर्स जो ऑर्डर में पास हुआ रहेगा उसमें हुआ रहेगा ओके okay. उसको रेक्टिफाई कर सकता है विद इन थ्री मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ सच ऑर्डर ओके नो सच रेक्टिफिकेशन शेल बी डन आफ्टर सिक्स मंथ्स फ्रॉम इशू ऑफ

जब भी कुछ एरर करने के वजह से लाइबिलिटी बढ़ रहा है या आईटीसी कम हो रहा है तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग हर्ट देना पड़ेगा नेक्स्ट इज एंटी प्रॉफिटरिंग ओके मतलब आपने जीएसटी का बेनिफिट कस्टमर को पास ऑन नहीं किया फॉर एग्जाम्पल जीएसटी का रेट था ट्वेल्व परसेंट तब आपका एमआरपी था सौ रुपया अब जीएसटी का रेट हो गया पांच परसेंट फिर भी आपका एमआरपी आर सौ रुपया मतलब ये सात परसेंट का जो रिडक्शन है इट इज इन योर पॉकेट ओके सो दिस सेवन परसेंट इज कॉल्ड एज एंटी प्रॉफिटेड अमाउंट इसको एंटी प्रॉफिट तो आप लोग तो पनिशमेंट मिलेगी बराबर तो को कितना पनिशमेंट मिलेगा शाल पे पेनल्टी तो सो मतलब जितना आपने एंटी प्रोफिट किया वो तो आपको देना ही पड़ेगा एंड साथ में इतना पेनल्टी भी भरना पड़ेगा समझा हाव एवर नो पेनल्टी शी शिव इड इफ प्रोफिटेड अमाउंट इज डिपोजिटेड विदिन 30 डेज ऑफ डेट ऑफ पासिंग ऑफ ऑर्डर ठीक है ऑर्डर पास किया उसके तीस दिन में अगर आपने जितना एंटी प्रॉफिटिंग किया था वो दे दिया तो पेनल्टी नहीं लगाएंगे अगर नहीं किया तो एंटी प्रॉफिटरिंग का जो अमाउंट है वो भी दे दो एंड पेनल्टी भी लगाई जाएगी समझ में नेक्स्ट ए रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर के लिए नॉट वेरी रिलेवेंट ठीक है जान दो इसको सो वी कंप्लीट विद जॉब वर्किंग एंड मिसिलेनियस प्रोविजन